हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर भोली, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से ग्रेड 10 सीबीएसई। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज निग्लेक्टेड एट होम। बचपन से ही भोली को अपने घर में हमेशा नकारा जाता था। व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, पर जो उसकी टीचर थी वो उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखाती थी? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली जिस तरह की थी और जो टीचर की अपेक्षा थी उससे, उस पे वो बिल्कुल खरी उतरती थी, इसलिए टीचर को उसमें इंटरेस्ट था? क्या वजह थी, जानते हैं अपनी स्टोरी से। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सब लोग उसे घर में भोली कहते थे। द सिंपलटन यानी एक सीधी सादी सी बच्ची, उसको भोली कहके बुलाते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। जो नंबरदार थे रामलाल, उनकी ये चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो वो अपने जिस पलंग पे लेटी हुई होगी उस पे सिर के बल नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. इसी वजह से वो एक तरह से बच्ची ऐसी हो गई जो थोड़ी सी पिछड़ गई और सब लोग उसे भोली कहने लग गए, एक सीधी सादी बच्ची। At birth, the child was very fair and pretty. जब वो पैदा हुई थी तो वो बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. पर जब वो 2 साल की हुई तो उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. अब सिर्फ आंखें ही बची थी उसकी सही, बाकी पूरी बॉडी जो है वो एक तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि इसकी बॉडी पे परमानेंट ब्लैक मार्क्स रह गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। वो 5 साल की जब तक नहीं हो गई तब तक वो कुछ नहीं बोली। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। पर जब उसने बोलना शुरू किया तब वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। अब बाकी बच्चे जो क्या थे वो उसकी मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल करते थे, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि उसने और भी कम बोलना शुरू कर दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। अब रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, जिसमें सबसे छोटी कौन थी? भोली। इट वाज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउसहोल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। एक अच्छा खाता पीता परिवार था फार्मर का, और वहां पर सबके लिए खाने पीने के लिए खूब सारा उपलब्ध था, मतलब कोई कमी नहीं थी। भरा पूरा एक बड़ा परिवार था, सुखी संपन्न कह सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। बाकी सारे बच्चे भोली को छोड़ के तंदुरुस्त थे, मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो लड़के थे उन्हें पहले शहर भेजा गया स्कूल में पढ़ने के लिए, और बाद में उनको जो है कॉलेज में भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। लड़कियों में जो सबसे बड़ी थी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर्स मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी लगभग तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब उसकी हो जाती तो उसके बाद रामलाल जो है अब तीसरी लड़की की सोच रहे थे शादी के बारे में, चंपा। दे वर गुड लुकिंग। सबकी सब जो है बहुत सुंदर थी, हेल्दी गर्ल्स, और अच्छी तंदुरुस्त सुंदर लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइट ग्रूम्स फॉर देम, जिसके लिए क्योंकि वो देखने में अच्छी थी, खाती पीती थी, इस वजह से उनके लिए लड़का देखने में भी उनको तकलीफ नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। पर रामलाल जो है सबसे ज्यादा भोली को लेकर चिंतित थे, क्योंकि भोली ना तो देखने में अच्छी थी और ना ही उतनी समझदार थी। भोली वॉज 7 ईयर्स ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। अब भोली सिर्फ 7 साल की थी जब मंगला की भी शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल क्या हुआ कि उनके गाँव में एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए खुला। द तहसीलदार साहेब came to perform its opening ceremony. और तहसीलदार जो थे वो आए थे उस गांव में उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी को करने के लिए। He said to Ramlal,
As a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to the school. अब उन्होंने रामलाल से कहा, क्योंकि तुम यहाँ पर एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, इसलिए तुम जो एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो इस गांव के अंदर, जिसकी वजह से तुम्हें सबके सामने एक मिसाल की तरह अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा करना चाहिए, इसलिए तुम अपनी बेटी को जो है स्कूल जरूर भेजो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम? अब उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से बात करी, तो उसकी जो वाइफ है वो रोने लग गई कि तुम पागल हो क्या, लगा लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे फिर शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। अब रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को मना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। तो उसने फिर वाइफ ने उनके कहा, ठीक है मैं तुमको एक बात बताती हूँ, तुम क्या करो, सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। अब क्योंकि वो जो भोली है, ना तो वो सुंदर है और ना ही उसमें इतनी नॉलेज है, ना उतनी समझदार है, तो उसके चांसेस भी बहुत कम है कि उसकी कभी शादी भी होगी, उसे स्कूल भेज दो। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के जो टीचर्स हैं अब वो उसको लेकर परेशान हो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। अब अगले दिन जो रामलाल थे, उन्होंने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको स्कूल ले चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई, शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको पता ही नहीं था स्कूल कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बी टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी, उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि वो एकदम से मना करती हुई, क्योंकि वो हकलाती थी, इसलिए जिस तरह से वो हकला सकती थी उस तरह से उसने नहीं नहीं किया, डर के मारे, और अपना हाथ जो है अपने फादर से छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू द स्कूल। तुम्हारे से क्या क्या परेशानी है तुमको बेकूफ, रामलाल ने जोर से चिल्ला के कहा, मैं तुमको सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डीसेंट क्लोथ्स टुडे और else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? उन्हें अपनी वाइफ से कहा, इसको कुछ सही से कपड़े पहना दो, नहीं तो वहाँ के जो टीचर्स हैं और बाकी जो स्कूल की लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी इसे देखकर। New clothes have never been made for भोली, कभी भी भोली के लिए नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her, जो उनकी बड़ी बहनें थी उन्हीं के कपड़े जो है उसको दे दिए जाते थे पहनने के लिए। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ, कोई भी ये बात का ध्यान नहीं रखता था कि उसके कपड़े धोने हैं, सही से करने हैं। बट टूडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। पर आज एक तरह से कह सकते हैं उसके लिए सबसे लकी दिन था, क्योंकि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस पहनाई गई थी जो काफी धुलाई के बाद सिकुड़ चुकी थी और अब उसकी जो बड़ी बहन चंपा थी उस पर फिट नहीं होती थी। She was given bath and oil was rubbed into her dry, matted hairs. उसको आज निलाया भी गया, उसके बालों में तेल भी लगाया गया, उसके बाल इतने रूखे हो गए थे, उलझे हुए बाल थे, उनमें जो है तेल भी लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब जाके उसको ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो मेरे घर से ज्यादा अच्छी है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचे तो जो बच्चे थे वो पहले ही क्लासरूम्स में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। अब रामलाल ने क्या किया, अपनी डॉटर जो थी यानी ये भोली जो थी उसे हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया जो प्रिंसिपल थी। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज। अब अकेली पड़ गई तो भोली जो है चारों तरफ बड़ी डरी सहमी सी आंखों से देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटर्ड ऑन मैट्स। अब बहुत सारे कमरे थे उस स्कूल में और हर रूम में जो है लड़कियां मैट्स पर बैठी हुई थी उसी के जैसी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग फ्रॉम स्लेट्स, किताबें पढ़ रही थी या स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। अब हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा, ठीक है तुम भी कोने में जाके किसी क्लासरूम में बैठ जाओ।